अमेरिका के वर्जीनिया में मौजूद एक डेटा ने दुनिया भर में फैले चीन के कर्ज जाल की एक एक परत को उधेड़ कर रख दिया है। 4 साल में तैयार हुई एक डेटा की इस विस्तृत एकेडमिक रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया है कि चीन कैसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के नाम पर छोटे गरीब और मजबूर देशों को अपना निशाना बनाता है और दुनिया के कई देशों के लिए मुसीबतें खड़ी करता है। नमस्कार, मैं हूं वर्तिका और आज के अपने एक्सप्लेनर में इसी एक डेटा की रिपोर्ट पर हमने बात की है सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटीज के नेशनल सिक्योरिटी प्रोग्राम डायरेक्टर मार्टिन रसर से। साथ ही हमने बात की है जेएनयू के ईस्ट एशिया मामलों के प्रोफेसर श्रीकांत कोंडिपल्ली से और जाना है कि कैसे चीन की आर्थिक नीतियां काम करती हैं और कैसे चीन दूसरे देशों को निशाना बनाता है, अपने कर्ज जाल में दबाता है और इसका उपाय क्या है। इन्होंने क्या क्या कहा, हमारे एक्सपर्ट्स की क्या राय है, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि इस एक डेटा की रिपोर्ट में चीन को लेकर बीआरआई को लेकर क्या कहा गया है। चीन की चालबाजियों पर एक डेटा की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर में हैं चीन के 13,427 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। चीन ने किया हुआ है $843 बिलियन का इन्वेस्टमेंट। विदेशों में विकास परियोजनाओं पर चीन ने अमेरिका से कहीं अधिक खर्चा किया हुआ है। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई है कर्ज जाल का कुआं। बीआरआई पर रिसर्च में सामने आया है $385 बिलियन का छिपा हुआ कर्जा। अब तक 40 से ज्यादा देश चीन के चंगुल में फंस चुके हैं। 40 से अधिक देशों पर चीन का कर्ज उनकी जीडीपी के 10% से भी ऊपर है। ए डेटा की रिपोर्ट साफ करती है कि दुनिया भर में चीन के चक्रव्यूह में अगर कोई देश एक बार फंस जाए तो उसके लिए बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटीज के टेक्नोलॉजी और नेशनल सिक्योरिटी प्रोग्राम के डायरेक्टर मार्टिन रसर ने दुनिया तक से कहा, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़ा $385 बिलियन का छिपा हुआ कर्जा परेशान करने वाला है। ये चीन के कर्जे पर आधारित कूटनीति की दिक्कतों को सामने लाता है। इस रिपोर्ट से उन लोगों को भी जवाब मिला है जो कहते थे कि बीआरआई को लेकर जरूरत से ज्यादा चिंता की जा रही है। ये अब साफ है कि 40 से ज्यादा देशों पर उसकी जीडीपी के 10% से ज्यादा चीन का कर्ज है। ज्यादा चिंता की बात यह है कि चीन अपने कर्ज के बदले चीनी देनदारों के अधिकार वाले देश से बाहर के बैंक अकाउंट में लोन के बदले पैसा गिरवी रखवा लेता है और जब देश चीन का लोन चुका नहीं पाते तो चीन के लिए किसी जमीन या रॉ मटेरियल के बदले वो खाते अपने कब्जे में लेना ज्यादा आसान हो जाता है। अमेरिका में तकनीक और सुरक्षा से जुड़े मामलों पर कड़ी नजर रखने वाले मार्टिन रसर ने कहा कि दुनिया के तकनीक संपन्न लोकतांत्रिक देशों को गरीब देशों के लिए चीन के निवेश का विकल्प देने की जरूरत है। AIT डाटा में सामने आए नतीजे इस जरूरत पर जोर डालते हैं कि गरीब और छोटे देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की बड़ी जरूरत को पूरा करने के लिए टेक्नो डेमोक्रेसीज को जल्द से जल्द लंबे समय तक चलने वाले और कारगर विकल्प देने होंगे। G7 देशों का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड ऐसे विकल्पों का एक अच्छा उदाहरण है। इसी तरह से मैं क्वाड जैसे समूहों से भी उम्मीद करूंगा कि वो भी इसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का विकल्प मुहैया कराएं, खास तौर से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना। जेएनयू के ईस्ट एशिया स्टडीज के प्रोफेसर श्रीकांत कोंडिपल्ली से दुनिया तक ने बात की और पूछा कि क्यों चीन को अपना कर्ज जाल पसारने का मौका मिला। उन्होंने बताया कि गरीब देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरतें बहुत बड़ी हैं और इन जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई और देश चीन के जितने बड़े पैमाने पर आगे नहीं आ रहा था, जिसका फायदा चीन को मिला। एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक अभी आसिया में कुछ $8 ट्रिलियन के रकम जरूरत है जो इंफ्रास्ट्रक्चर या दूसरा मॉडर्नाइजेशन ये सारे करने के लिए इतना खर्च हो जाता है इस 10 साल में 2020 से 2030 तक। इस 10 साल में हमें कुछ $8 ट्रिलियन यानी $8,000 बिलियन का रकम चाहिए। लेकिन दूसरा देश जो है वो अभी तैयार नहीं है कि इनका इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे कि जो दूसरा फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, या अभी अभी दो नया वाला बैंक्स आ गए, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफ द ब्रिक्स,
जो ब्रिक्स के जो एक नया डेवलपमेंट बैंक बनी हुई है नई दिल्ली के जो समिट मीटिंग के बाद, तो वो भी अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल हैं। तो लेकिन ये दो बैंक्स भी या तीन बैंक्स भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि $8 trillion का रुकुम चाहिए हमें, लेकिन अभी इतना कर नहीं पाए। प्रोफेसर श्रीकांत का कहना है कि IMF या वर्ल्ड बैंक की तरफ से किसी देश की डेवलपमेंट में पैसा लगाते हुए बहुत सी शर्तें रखी जाती हैं, जैसे अकाउंट डेफिसिट कम करना, सब्सिडी हटाना, चाइल्ड लेबर हटाना या विदेशी कंपनियों के लिए खुला बाजार रखना। इनको पूरा करना कई बार गरीब और विकासशील देशों के लिए नामुमकिन हो जाता है, जबकि चीन बिना किसी ऐसी शर्तों के आसानी से कर्जा दे देता है। बीजिंग ने, चीन ने कह रहे हैं कि हम ऐसे कोई शर्त नहीं लगाएंगे आपके ऊपर, हम ये नहीं कहेंगे कि आपका करप्शन है या चाइल्ड लेबर आप इस्तेमाल करते हैं या ह्यूमन राइट्स वायोलेट करते हैं, जो भी चीज़ जो वाशिंगटन कंसेंसस में है। तो ये सारा अभी पेचिंग कंसेंसस बोल के एक रामोस एक स्कॉलर उनको रिफर किया। तो क्रिटिक्स का ये कहना है कि नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी जो चीन मानते हैं ये पेचिंग कंसेंसस में, जिसमें वो भी इंटरफेरेंस तो हाई है, लेकिन उन्होंने जो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप्स को दबा के रखते हैं, तो पेचिंग कंसेंसस में भी कोई कुछ प्रॉब्लम्स है ऐसे वाला। 3 साल पहले कुछ 11 देश हैं ऐसे, लेकिन अभी उनका नंबर बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि ये इंटेंसिफाई भी हो रहे हैं। जैसे कि आपको एक एग्जांपल बताऊं कि कीनिया में उन्होंने मुंबासा पोर्ट बनाया, और कीनिया में उन्होंने एक रेलवे भी बनाया इथियोपिया से कीनिया तक। ये वैसे रेलवे अच्छा है, मैंने बहुत सारे फोटोज देखी और उसके जो परफॉर्मेंस के वो सारा भी देखी, तो देखने में अच्छा है। लेकिन कीनिया उनके लिए अभी रिटर्न करना उनको मुश्किल है, क्योंकि उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ये COVID-19 डिसरप्शन से भी उनको बहुत नुकसान हुई। तो उन्होंने कहा कि हम पे नहीं कर सकते। तो चीन के विदेशांग मंत्रालय के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि हम कब्जा कर लेंगे इसके मुंबासा पोर्ट को। मुंबासा पोर्ट, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट और सूडान जैसे कई देश चीन की इसी तरीके की दादागिरी से परेशान हैं। भारत लगातार चीन के BRI प्रोजेक्ट्स के खिलाफ दुनिया को आगाह कर रहा था। भारत ने बताया था कि कैसे चीन उसके पड़ोसी देशों को कर्ज जाल में फंसा रहा है और चीन के कोयला आधारित प्रोजेक्ट्स पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रोफेसर श्रीकांत कोंडीपल्ली ने बताया कि अब अमेरिका, जापान और दूसरे देशों के साथ भारत भी ब्लू डॉट नेटवर्क का हिस्सा बन रहा है, जो चीन के BRI से कहीं बेहतर विकल्प दुनिया को मुहैया करा सकता है। इटली, स्पेन, उस समय उनका फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी, तो वो भी मेंबर हो चुके हैं। बहुत सारे कंट्रीज उनमें शामिल हो गए जो समिट मीटिंग्स में, लेकिन उसके बाद उनको लगा है कि ये नुकसान पहुंचने वाले हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स वगैरह, नॉन ट्रांसपेरेंसी वगैरह चीज़ों पर। तो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ ऑफिशियल्स इसमें शामिल हुए थे, लेकिन उसके बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन दूसरा एक पॉलिसी अपनाया, ये ब्लू डॉट नेटवर्क कहते हैं उसको। तो 2019 में बैंकॉक में एक मीटिंग हुई, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल हुए थे, और उनका कहना था कि उनका जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उनको रिफॉर्म किया पॉम्पियो के समय में, और उनका कुछ $65 बिलियन का एक फंडिंग प्रोग्राम बनाया उसके लिए। और उसके बाद कुछ एग्जिम बैंक, अमेरिका के जो एग्जिम बैंक, सारा सबको इकट्ठा किया और इसमें कुछ $135 बिलियन के एक फंडिंग बनाया। उनका मुद्दा ये था कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाना है, और ये जो
एनवायरमेंटल फॉलोआउट या दूसरा जो प्रॉब्लम्स आई थी इसके बारे में सारा ऑडिटिंग होना चाहिए, उसके बाद ही हम फाइनेंस करेंगे इसके। तो आपने देखा होगा कि कॉर्नवॉल मीटिंग में, G7 के एक्सटेंडेड मीटिंग में इस साल यूके के लीडरशिप में उन्होंने कहा है कि हम बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड कुछ 45 ट्रिलियन डॉलर्स उन्होंने खर्च करने के लिए प्रोग्राम बनाए। दूसरा चीज, यूरोपियन यूनियन एक क्रिटिसिज्म पेश किया कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट मानते हैं, ऐसे जो डेट्स वगैरह ज्यादा है ये इस प्रोग्राम में, तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं। जापान ने भी ये भी कहा कि हम क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उनका इनडायरेक्ट क्रिटिसिज्म था कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का क्वालिटी नहीं है वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाते हैं, क्योंकि उसमें सारा करप्शन है, उसमें सारा स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के जो काम है, तो उन्होंने कहा कि ये क्वालिटी नहीं है। तो जापान में भी एक क्रिटिसिज्म, शिंजो अबे ने कुछ 100 बिलियन डॉलर के फंडिंग रेज किया इसके बारे में, तो बहुत सारे लोग अपने अपने शुरू कर दिया कि हम भी एक अल्टरनेटिव फाइनेंस करना है। तो ये सारा जो ब्लू डॉट नेटवर्क जो है वो अभी जो क्वाड मीटिंग हुई उनका स्टेटमेंट में, जॉइंट स्टेटमेंट में ये भी है, तो इससे लगता है कि भारत भी अभी ब्लू डॉट नेटवर्क को लेजिटिमाइज किया और एक्सेप्ट किया। तो इसका मतलब ये है कि हम सारे अभी ढूंढ रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन नंबर वन, एनवायरमेंटल फॉलोआउट नंबर थ्री, सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेशन जैसे कि एनजीओस हैं या दूसरा, इन सारे लोगों से रेस्पॉन्सेस लेना है। अगर कोई सड़क बना रहे हैं या कोई दाम बना रहे हैं तो उनके क्या उनका राय है, जो लोकल्स का राय है, तो ये सारे अभी ब्लू डॉट नेटवर्क पे हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी कहा उन्होंने कि वो बनाना चाहते हैं। तो एक बहुत सारे लोग इसमें, बहुत सारे देश इसमें शामिल हैं अभी जो ब्लू डॉट नेटवर्क में, तो मुझे लग रहा है कि अभी एक कंपटीशन आई। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि 2013 में जब चीन ने ये शुरू किया, कोई भी देश आगे नहीं आया था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, तो उनको भी एक क्रेडिट देना चाहिए कि वो इनिशिएटिव लिया, लेकिन उसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थी।